हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कपड़ा और सीमेंट से किस तरह से प्लांटर बनाया जा सकता है। इस तरीके से अगर डिजाइनर प्लांटर आप अपनी रूम के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए अगर बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले, पिछले वीडियो में आप लोग काफ़ी सारे सवाल किए थे। हो सकता है सभी के मन में इस तरह से सवाल हो। आप लोग ये पूछे थे कि इस तरीके से प्लांटर जो है कितने साल चलते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड, इस तरीके से प्लांटर जो है आपने अगर सही तरीके से बनाए होंगे तो 5 साल से ज़्यादा भी बहुत आराम से चल सकती है। देखने में रूम के अंदर बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ फ्रेंड पूछे हैं कि किस तरह से पेंट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑयल पेंट, वॉल पेंट, वाटरप्रूफ पेंट, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। पॉट्स को बहुत खूबसूरत लुक दे सकते हैं। जो है बनाते समय टूट जाती है, लेकिन फ्रेंड हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी कपड़ा और सीमेंट से क्राफ्टिंग करें तो हमेशा कपड़ा अगर आपने सही लिए होंगे तो बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। जैसे कि घर में जो होता है मोटी मोटी टावल, चादर, ऊन के कपड़े होते हैं, थोड़ा सा मोटा लेंगे, कॉटन के लेंगे, तो आपकी जो प्लांटर जो है आसान तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी इस तरह से प्लांटर बनाएं तो छायादार जगह पे रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें जब तक बन के कम्प्लीट ना हो जाए। ऐसे अगर सही कोटिंग किए होंगे तो आपकी प्लांटर जो है अच्छी लंबी समय तक चल सकती है। इस तरीके से प्लांटर बनाने के लिए ये सब चीज़ों को ध्यान दे के अगर आप बनाते हैं, आपकी प्लांटर जो है बहुत खूबसूरत और सही तरीके से बन के जो है रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।